तो सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे आज हो गया एग्जाम खत्म। देखो भाई सबसे पहले तो ना आप लोग रेस्ट लो, बढ़िया सा शानदार मजेदार वाला रेस्ट, मतलब अभी सोने के लिए जाओ तो अब कम से कम कहते हैं कल शाम में उठना डायरेक्टली है ना। तो भाई अब एग्जाम हो गया खत्म, लेकिन एक दिन का तो भयानक रेस्ट बनता है। आप पहले रेस्ट लो, एकदम दिमाग शांत करके मन। एक बार मैं आपको बताऊं, जब एग्जाम होने वाला रहता है ना, जब एग्जाम चल रहा होता है तो बड़ी नींद आती है, लेकिन अब एग्जाम खत्म हो गया ना, आप देखना सोने की आप भरपूर कोशिश कर लो पर नींद नहीं आएगी। अब नींद आएगी नहीं तो इधर उधर भटकोगे। इससे अच्छा है मैं आपको बताता हूँ, एक तो देखो सबसे पहली बात, जो एग्जाम चला गया उसके बारे में सोचना नहीं है ना। अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप वन वाले हैं, ग्रुप वन वालों का एग्जाम खत्म हुआ है, अब आप अगर सोचना भी तो ग्रुप टू के बारे में सोचिए, जो कंपनी सेक्रेटरी बनना है। और कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए ग्रुप टू सीएस प्रोफेशनल ये भी पास करना अभी बाकी है ना। रही बात की एग्जाम हो गया सर पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, तो रिजल्ट विजल्ट देना तो आईसीएसआई का काम है ना, कॉपी चेक करना उनका काम है, हमारा काम थोड़ी है। हमारा काम एग्जाम देना था, हमने एग्जाम दे दिया। अब या तो आप रेस्ट लीजिए, या अगर सोचने का बहुत मन है तो आप सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप टू के बारे में, सीएस प्रोफेशनल के बारे में, कंपनी सेक्रेटरी बनने के बारे में सोचिए। देखो भाई एडवाइजेबल तो ये है कि आप खूब रेस्ट लीजिए। रेस्ट लेने के बाद जब रेस्ट पूरा हो जाए, लगे कि हाँ ये जो इतने दिन का एक भयानक समय गुजरा है वो समय खत्म हो गया है ना, अब ज्यादा टेंशन नहीं है, तो सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप टू के बारे में सोचना स्टार्ट कीजिएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, अपनी तरफ से हेल्प कर दे रहा हूँ, 5 जनवरी से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप सेकंड का। ग्रुप वन का एग्जाम देने के बाद पता चली गया होगा कि लाइन बाय लाइन पढ़ना, और आईसीएसआई कहां से क्वेश्चन पूछता है, जितने भी यूट्यूबर्स ने हल्ला मचाया था, इन चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, इन चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, 5 मिनट में 50 मार्क्स पूरे, ये सब कुछ भी नहीं हुआ। किसी भी चैप्टर से कहीं से भी उठा के वो क्वेश्चन पूछते हैं, और देखा एमसीक्यू भी इस बार नहीं था, तो क्वेश्चन का लेवल काफी टफ रहने वाला है। तो इसलिए आप कहते हैं स्टार्ट अर्ली फिनिश अर्ली, ग्रुप टू का बैच 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, पहले दिन ही क्लास में आप बैठे हुए नजर आना। ग्रुप वन की चिंता आप मत करो, ग्रुप वन का काम आप किसके ऊपर छोड़ दो, आईसीएसआई के ऊपर छोड़ दो। लेट द आईसीएसआई डिसाइड कि उनको क्या करना है, मतलब उनको कॉपी लीनियंटली चेक करना है, टफ चेक करना है। देखिए अगर आपने खूब अच्छे से लिखा है यू विल श्योरली पास, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी कहीं कमी रह गई है तो उसको भी देखेंगे, वो तो 25 फरवरी को जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। लेकिन टिल देन आप या तो रेस्ट लीजिए, और रेस्ट लेने के बाद 5 तारीख से उठ खड़े होइए। 5 तारीख को आप सारे बच्चे मुझे क्लास में दिखने चाहिए, है ना। सिक्योरिटी लॉ शेयर मार्केट का लॉ है, आप जानते हैं शेयर मार्केट मेरा कहते हैं मेन फोटे है ना, तो शेयर मार्केट है, सिक्योरिटी लॉ है, वो दम लगा के आपको पढ़ा दूंगा। आप जानते हैं मैं दम लगा के पढ़ाता हूँ लाइन बाय लाइन पूरा, और कोर्स सबसे ज़्यादा मैं पढ़ाता हूँ। उसके बाद ECIPL भी मैं ही पढ़ाऊंगा, इनडायरेक्ट टैक्स भी मैं ही पढ़ाऊंगा, जो डायरेक्ट टैक्स है वो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमित सर पढ़ाएंगे, एंड जो IPL का पार्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का पार्ट है, उसमें मेरा हेल्प करेंगे श्वेता मैम। तो हम ये 3 टीचर्स आपके लिए तैयार हैं, 5 जनवरी को पक्का मिलिए, फिर से याद दिला रहा हूँ, 5 जनवरी, 5 जनवरी, तो 5 जनवरी इज द डेट, उस दिन से मॉड्यूल सेकंड स्टार्ट करना। तब तक मैं जम के दम से मन लगा के जितना भी घूमना फिरना है, जितनी भी ख्वाहिशें हैं जो मन के अंदर आ रही थी एग्जाम के टाइम में और वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाई, वो सारी ख्वाहिशों को पूरा कीजिए, और उसके बाद 5 तारीख को फिर से मिलिए अच्छे अच्छे चेहरे से, है ना। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल होगा, नया बैच होगा, है ना। मैं तो पुराना ही रहूंगा, आप तो पुराने ही रहेंगे, है ना, पर नए जोश के साथ मिलेंगे, ठीक है जी। तो आप खूब रेस्ट लो, रेस्ट लेने के बाद हम फिर से मिलते हैं 5 जनवरी को फॉर GRP 2, दैट इज ग्रुप सेकेंड, है ना। चलिए जी, टिल देन बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार, और आप तो जरूरी खुश रहना भाई, इतना बड़ा एग्जाम देखा है, ठीक है जी, थैंक यू।